राजस्थान में विधानसभा की अब 6 सीटें खाली हो गई हैं। 5 विधायक सांसद बने थे, उनकी सीट खाली हुई थी, तो वहीं अब बीजेपी के दिग्गज नेता और कई बार के विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। सुलुम्बर विधानसभा सीट से अमृतलाल लगातार चुनाव जीतते हैं, इसे में उनके निधन के बाद सुलुम्बर सीट खाली हो गई। 5 सीटों के साथ अब उदयपुर की सुलुम्बर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। दरअसल सुलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब वो जिस सीट से विधायक है वहां पर उपचुनाव होगा। राजस्थान की नई विधानसभा में कभी भी पूरी संख्या 200 नहीं हो पाई है, कोई ना कोई सीट खाली रही, ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब बीजेपी की सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है, इन्हें 6 सीटों पर उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। उदयपुर जिले की सुलुम्बर विधानसभा सीट पर साल 1990 के बाद हुए चुनाव में सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीत पाई है। सीट पर लगातार भाजपा की जीत हो रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बीजेपी को बड़े वोटों के मार्जिन से जीत मिल रही है, इसलिए यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएगी जो यहाँ पर उसकी वापसी करा दे। इस सीट से साल 1990 के बाद 1993 में बीजेपी के फूलचंद मीणा, 1998 में कांग्रेस के रूपलाल मीणा, 2003 में बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा और 2008 में कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा, उसके बाद से बीजेपी के अमृतलाल चुनाव जीत रहे हैं। पहले जहां दौसा, खिवसर, झुंझुनू, चौरासी और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने थे, ये सीटें कांग्रेस और उनके गठबंधन की है, तो वहीं अब सुलुम्बर की भी सीट खाली हो गई है। एक बार फिर यहाँ पर चुनावी माहौल ने जोर पकड़ लिया है, सरकार और विपक्ष दोनों उसी जोन में जा चुके हैं। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।